है, मेरा यूट्यूब चैनल फैंसी बर्ड्स एंड कैटर। मैं अभी फिंचों में इसमें आ गया हूँ सेटअप पे। माशाल्लाह मेरी फिंचे बहुत अच्छे खासी इम्प्रूव कर चुकी हैं, बहुत सारी अच्छी खासी हो चुकी हैं। अगर मैं इसमें मैंने 6 से 7 जोड़े डाले थे, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा नहीं डालता, मैं ये नहीं खरीद करता कि मार्केट बहुत तेज़ है तो भाई चलो 50 जोड़ दो सर। मैं अपने हिसाब से करता हूँ काम। मैंने ये 4 से जोड़े थे माशाल्लाह, अब मेरे पास अच्छे खासी हुई, सारे पाइड हैं, ये सारी बहुत प्यारी बच्चे निकल गए, कम से कम 70-80 जोड़े होंगे मेरे पास। तो अगर ये इनको अच्छी ग्रोथ है, ग्रोथ की वजह इसकी अच्छी इस वजह से कि इनको बारीक कंगनी, और ये है कि मैं इनको बॉयल राइस वगैरह डालता हूँ जिसे ये खाना पसंद करती हैं। बॉयल राइस वगैरह डालते हैं, पत्ते पालक के पत्ते, ये खीरा वगैरह में डालता हूँ जो लोग उम्र डालते नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने बर्ड को अच्छा सेहत में रखना चाहते हैं, और हफ्ते में एक दफ़ा इलाइसोबिट पानी में ज़रूर डाल के इनको पिलाया करें। इलाइसोबिट जो है ना, विटामिन वगैरह होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है, तो इनसे कोई कमी पूरी हो जाती है, तो ये सेहतमंद रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इनको लाइसोबिट वगैरह हफ्ते में एक दफ़ा डाल दिया करें। अगर विटामिन है परिंदों के तो बहुत महंगे हैं, लेकिन लाइसोबिट भी वही है जो इंसान पीते हैं, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये डाल देंगे तो बर्ड्स के पर वगैरह और इनकी ग्रोथ वगैरह बड़ी अच्छी होती है, और अंडे भी बड़े अच्छे बेहतरीन अंडे मिलती हैं और सही होते हैं। तो मेरे पास नर्सिंग वगैरह सबने की हुई है, माशाल्लाह अच्छे खासे हो गए। अगर किसी साहब को चाहिए हो ये फिंच वगैरह, तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें से जो भी अच्छे मेरे समझ में आएंगे, सेट अच्छे जुड़े होंगे, वो मैं दे सकता हूँ। तो ये मार्केट भी इसकी इस वक्त बहुत तेज़ है, और मार्केट अच्छी है, और मेरे पास सारे अच्छे कलरफुल हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पाइड हैं और दूसरे हैं। ये पाइड मैं दिखाऊँगा आपको, ये बच्चा भी निकला हुआ है, एक हफ्ते का होगा। ये पाइड है गोल्ड ब्राउन कलर का, ये भी एक हफ्ता हुआ निकले हुए, अभी निकले हुए। ऐसे कई बच्चे हैं जो ये बच्चे निकले हुए, और ये मेरी माशाल्लाह सारी अच्छी ब्रीडिंग कर रही हैं। तो इनके अब ऐसा सीज़न इनका सर्दी का आ रहा है, तो ऐसी बात है ये सर्दी में भी ब्रीडिंग करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती, लेकिन आपके पिंजरे में धूप आनी चाहिए। और नेस्टिंग वगैरह भी बार बार नेस्टिंग में, पर इनको फिंचों को बार बार नेस्टिंग ना करें, नेस्टिंग करने दी अपने बच्चे दबा देती हैं और अंडे को दबा देती हैं। तो इसके कोई टिप्स वगैरह कुछ नहीं होती, बस आप मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परिंदे की इतनी आपकी आँख होनी चाहिए, आपको पालने का इतना आइडिया होना चाहिए कि मेल फीमेल में जो ले रहा हूँ ये जाके ब्रीडिंग करेंगे नहीं करेंगे। आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी पे भरोसा ना करें। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप ऐसा करें, पट्टे लें, पट्टों से ही काम स्टार्ट करें, पट्टे लेके मेल फीमेल छोड़ दें और इंशाल्लाह ब्रीडिंग करेंगे। ब्रीडिंग के लिए ऐसा कोई मसला नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं होता, कुछ भी नहीं, ये लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि ये फार्मूला कुछ नहीं। आप बारीक कंगनी, बॉयल राइस और पालक के पत्ते वगैरह जो होता है घर में पकते हैं, मेथी धनिया वगैरह जो, ये डाल दिया करें, तो ये इंशाल्लाह इनको शौक से खाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करता रहूँगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।